अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज जो है रमज़ान का सेकंड रोज़ा है, मतलब रोज़ा कल है, आज फर्स्ट रोज़ा ही है, लेकिन आज हम सेकंड सहरी करेंगे। तो अभी जो है हमने इफ्तार कर लिया है फर्स्ट रोज़ा का, और खिज़र और मम्मा यहाँ पे फ्रूट चाट खा रहे थे, जो कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि जब मैंने टेबल दिखाई थी सेट वगैरह करके, तो उधर पड़ी हुई थी। खैर, तो अभी मम्मा, हमने डिनर भी नहीं किया है, हम लोग, मम्मा ने पुलाव बनाया था मेरे कहने पर, लेकिन हमने अभी तक वो भी नहीं खाया है, क्योंकि इफ्तारी में इतना फुल थे हम कि अभी तक हमने डिनर नहीं किया है। तो फुल है हम। थे हम, मम्मा मेरी उर्दू ठीक कर रही है। हाँ, मुझे उर्दू ठीक करने से एक बात याद आई, फिजा मुझे और अंजा को कह रही थी कि ना मुझे हैरत लगती है, तुम इतनी अच्छी उर्दू की टीचर, मतलब मम्मा स्पेशल उर्दू पढ़ाती है, स्पेशली सीनियर क्लासेस को और इंग्लिश। तो फिजा हमें कह रही थी कि आपकी मम्मा इतनी अच्छी टीचर है उर्दू की, और आप दोनों को सही वाली उर्दू भी नहीं आती है, मतलब कभी कभी हम अजीब वर्ड्स बोल लेते हैं। खैर, तो अभी जो है हम डिनर करेंगे, और मैं तो सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी डिनर अभी करूंगी, और फिर जो पुलाव है मैं सहरी में थोड़ा सा डिनर में अभी करूंगी, और फिर थोड़ा सा जो है ना मैं सहरी में और थोड़ा सा डिनर जो है मैं सहरी में कर लूंगी, पुलाव खा लूंगी, लेकिन मम्मा ये बिल्कुल नहीं होने देंगी, वो बोलेंगी कि नहीं आप लोग जो है वो अलग से रोटी हमें बनाकर देंगे सहरी में। खैर, वो उस वक्त हम देखेंगे क्या होता है। बाकी अभी जो है हम सब अंजा को मिस कर रहे थे, तो हम वो भी काफी हमने बातें की, और हमारे काम पे याद में अंजा की टांग रही थी, क्योंकि हम बहुत याद कर रहे थे टांग, क्योंकि बारिश आई, और जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जब बारिश आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। क्योंकि आप अंजा को मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ, हमने अंजा को इतनी कॉल्स किए कि मम्मा कह रही है माँ तो उसकी तुम हो। खैर, तो अभी हम सहरी टाइम मिलते हैं, खाना वगैरह सहरी टाइम खाएंगे। मैंने सोचा व्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं। जी खिज़र, हम जो है ना खिज़र स्पेशल सीरीज बनाने का सोच रहे हैं, जो हम कमिंग टाइम पे जाएंगे, जिसमें सिर्फ मैं व्लॉग करूंगा, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वगैरह। तो अगर वो आप सीरीज चाहते हैं, देन कमेंट। हाँ, और जो है ना हम कमिंग टाइम पे भी जा देंगे बेटा। ओ, फिलहाल तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, पेपर चलने पहले उसकी तैयारी करो, कल इंग्लिश का पेपर मेरे जिगर आज इंग्लिश का हो गया बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। खैर, तो अभी हम लोग जो है सहरी टाइम मिलते हैं। मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ, वैसे तो मैंने बोला था सहरी टाइम मिलते हैं, लेकिन मुझे याद आया, एक सेकंड, इसमें बात तो करने देना। खान, मैं अपनी फ्रेंड्स को हमेशा बताती हूँ कि मेरी मम्मा हमें खाना खिलाती हैं और चीज़ें खिलाती हैं, लेकिन ना उनको हंसी आती है, उनको लगता है मैं मजाक करती हूँ। लेकिन अभी मम्मा मुझे फ्रूट चाट खिला रही थी, मैंने कहा मैं ये भी व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ, जैसे सब देखेंगे कि नहीं मैं सच बोलती हूँ, वाकई में मैं खिलाती हैं। A few moments later. अभी हो रहे हैं 2:50, और मैं अभी अपनी जो है ना सहरी करके सो रही हूँ, क्योंकि मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 5 बजे तक जागूं। तो अभी मैंने डिनर नहीं किया था, तो मैंने आपको बताया था मम्मा ने पुलाव बनाया था, तो बस मैं उसको ही गर्म करूँगी, और मैं खाकर पानी वगैरह पीकर और फिर सो जाऊँगी। मैंने इनको बोला है जब अजान आए तो आप मुझे उठाना पानी वगैरह पिलाने के लिए, तो मम्मा ने कहा डन। तो बस अभी जो है मैं चलती हूँ, खाना वगैरह अपना गर्म करती हूँ, खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और दूसरा, मैंने जो है अपनी नेल पेंट वगैरह उतार दी है, मतलब बिल्कुल कम लोगों ने मुझे देखा होगा बगैर नेल पेंट के, मतलब मुझे हमेशा लगी हुई होती है, लेकिन इस दफा मैंने कहा चलो इसको ब्रेक दे देते हैं। और जो कहते हैं कि आप रमजान में भी लगा कर रखती हैं, तो 7-8-6 की जो नेल पेंट्स होती हैं आप उसको चेक करिएगा, वो नॉन अल्कोहलिक होती हैं और वो आप लगा सकते हैं, उससे वजू वगैरह हर चीज़ होती है। खैर, तो अभी जो है फिर भी मैंने आज जो है नेल पेंट चेंज कर दिए, सॉरी रिमूव कर दिए, क्योंकि मैं हमेशा इतनी नेल पेंट लगाती हूँ कि मैं बोल रही चेंज कर दिया। खैर, तो अभी इसको हम ईद तक ऐसे ही छोड़ेंगे, नहीं लगाएंगे नेल पेंट, क्योंकि अब नेल्स को ब्रेक चाहिए। तो अभी चलती हूँ, खाना वगैरह गरम करती हूँ, खाती हूँ, फिर सो जाते हैं।
मैंने जो है अपनी चावल निकालनी है और मुझे जो है ना यहाँ मतलब इस दफा लग रहा है कि इस दफा का रमजान मुझे लग रहा है कि इस दफा का रमजान जो है ना वो बहुत चेंज है बहुत सारे वे में। जैसे लास्ट रमजान में ऐसा होता था कि मैं उठती थी, अंजा को उठाती थी, खिजी को उठाती थी, सबको उठाती थी, फिर हम सैरी करते थे। मतलब कुछ दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं उनको नहीं उठाती थी तो कमेंट्स आते थे कि यार एल्सा आपने उनको नहीं उठाया, व्लॉग भी मिस हो गया सैरी टाइम में। और मुझे ये भी याद है कि सर्दियाँ नहीं होती थी रमज़ान में, मतलब मुझे बहुत सर्दी लगती है तो मुझे स्टिल लग रहा है कि सर्दियाँ हैं, तो मतलब स्वेटर पहने हुए हैं रमज़ान में स्पेशली। और मुझे याद है रमज़ान में सर्दियों में रमज़ान हम जब छोटे थे तब हम रोज़ा वगैरह नहीं रखते थे तब आया था और अब आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी ऐसा होगा कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो और सर्दियाँ होंगी तो अभी ये वाली साइकिल चलेगी, फिर बहुत गर्मियों में आएगा। खैर मैं सोच रही हूँ कि हलीम अगर पड़ा हुआ है तो उसको भी गर्म कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं बहुत हैवी सहरी करती हूँ, हलीम चिकन ये वो, और बहुत लोग जो है सिर्फ अंडा खाते हैं, मतलब खिजर भी खाते हैं, अंजा भी खाती है, लेकिन मेरा पता नहीं कितना दिमाग ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं खा सकती एग वगैरह। तो अभी मैं अपना राइस जो है उसको गर्म कर लेती हूँ, ये क्या पड़ा हुआ है, मैं अपना राइस वगैरह गरम कर लेती हूँ। और अंजा को मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस दफ़ा रमज़ान में, क्योंकि हम साथ होते हैं बचपन से आज तक, हम कभी भी अलग हमने रमज़ान वगैरह नहीं मनाया, मतलब पूरा रमज़ान नहीं गुजरा, इस दफ़ा थोड़ा सा भी अलग है, तो बहुत अंजा की याद भी आ रही है। तो चलो अभी अपना चावल वगैरह जो है मैं गरम कर लेती हूँ, फिर मैं खाती हूँ सहरी और मैं सो जाती हूँ। मैं अपना हलीम मैं सारा तो नहीं खाऊंगी, जितना मतलब मुझे लीड होगी मैं उतना खाऊंगी, बाकी मैं खिजर के लिए रख दूंगी क्योंकि वो भी अभी उठेंगे आधे या एक घंटे बाद। और अपना पुलाव ये मैं दोनों गर्म करके आ गई हूँ, अब मैं सैरी कर लेती हूँ फ़ौरन से, फिर हम मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए सेकेंड रोज़ा मुबारक एंड गुड नाइट। सुबह होने से पहले मैं ये बता दूँ अभी हो रहे हैं 3:21 और मैंने सहरी कर ली है, बस अब मैं सोने लगी थी। सो आई थॉट मैं टाइम बता दूं कि मैं कितने बजे सोने लगी हूँ और आई होप मम्मा वाले मुझे ना उठाएं पानी पीने के लिए, क्योंकि मैंने इतना इनफ पानी पी लिया है कि कल मैं सारा दिन जो है ना मतलब रोजे का जो भी टाइम पीरियड होता है वो सरवाइव कर लूंगी। सो अब बस मैं बहुत थक गई हूँ और अब प्रॉपर वाला मिलते हैं आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी जो है सुबह हो गई है, 11:30 बज रहे हैं, 12 हो गए, और मम्मा अंजा के लिए इफ्तारी भेज रही थी। तो मुझे मम्मा ने बताया, पहले मैं दिखा देती हूँ, हम अंजा के लिए आज जो है KFC स्टाइल जो है चिकन फ्राई करके भेज रहे हैं और मैक्रोनी भेज रहे हैं, चिकन जो है अभी फ्राई हो रही है। और मैंने रात बताया था ना कि आई होप सो मम्मा मुझे ना उठाए नींद से और मैं सोई हुई हूँ, तो मम्मा ने बोला मैंने तुम्हें नींद से उठाया था और तुम इतना लड़ रही थी मुझसे, इतना लड़ रही थी कि मैं अभी सोई हूँ, मैंने पानी पी रखा है ये वो, और मुझे कुछ भी याद नहीं। उन्होंने बोला फिर मैंने तुम्हें मिल्क पिलाया था क्योंकि तुमने पुलाव खाया था तो वो वैसे ही बहुत वो गर्म होता है तो तुम्हें एसिडिटी हो जाती वरना, तो वो मुझे बता रही थी कि मैं इतना लड़ रही थी उनसे कि नहीं मैंने जो है पानी पी लिया है और मुझे नहीं पीना, क्या बोल रही थी मम्मा ये ऐसे बोल रही थी मैं, और मुझे कुछ भी याद नहीं है अभी अंजा की इफ्तारी के। फिर आपने क्या किया? मैंने मिल्क दिया। हाँ फिर मम्मा ने मुझे मिल्क दिया और मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो बस अभी अंजा की ये बना लेते हैं, थोड़ी सी अंजा के लिए बनाई, हम तो अपनी शाम को बनाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो है मैं टिफ़िन लेने जा रही हूँ खाला के घर से, क्योंकि हम अंजा को खाना वगैरह भेजते हैं तो आज वी आर आउट ऑफ टिफिन्स, तो अभी अंजा को इफ्तारी भेजनी है और खाना भेजना है रात का, तो बस अभी चलते हैं खाला के घर, शीजल से मिलते हैं और टिफ़िन भी लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका रोज़ा है? फिज़ा वो मुझे ना टिफ़िन चाहिए था, हम ना सारा हमने टिफ़िन अंजा को दे दिए हैं तो अब हमारे टिफ़िन लेस हो गए हैं, आउट ऑफ टिफ़िन कुछ लंच बॉक्स या टिफ़िन कुछ तो हम अंजा को उसमें इफ्तारी और खाना भेजें। टिफिन तो हमारे पास दो हैं, वो हम दोनों शॉप पर भेजते हैं और कोई होगा तो अम्मी को बताएंगे। हाँ तो अम्मी को कॉल करते हैं, मैं फोन लेकर आई हूँ। तो अम्मी की मोबाइल लिए तो अम्मी को कांटेक्ट कैसे करें हम? तो स्कूल में करती हूँ किसी को कॉल।
हाँ स्कूल में किसी को कॉल करते हैं और अम्मी से पूछते हैं चीजें क्या है। चीजें सो रही है ऊपर, अभी तक नहीं होती जो है। बॉक्सेस मिल गए हैं और फिजा अभी मुझसे बातें कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं इफ्तारी में, तो हम अभी अम्मी आएंगी ना वो बताएंगी क्या बना, खाला आएंगी वो बताएंगी ना क्या बनाओगे आप। हाँ क्योंकि कल ना फिजा इफ्तारी बना रही थी, मुझे कह रही थी मुझे मत रिकॉर्ड करो तो अभी इनको लगेगा कि फिजा नहीं आना चाह रही थी, नहीं वो इसका हाल थोड़ा खराब था इसलिए फ्रेश नहीं हुई थी, हाँ इस वजह से देर हो गई थी। हाँ चल जाओ मैं दरवाजा बंद, हाँ ये मुझे निकाल देगी तो चलो चलते हैं, ये बॉक्स मैंने इससे ले ली है और अंजा को भेजते हैं। अभी जो है मम्मा ने अंजा के लिए इफ्तार बना लिया है, तो आज मम्मा ने मैक्रोनी बनाए हैं और ये अंजा के रात के लिए जो है डिनर के लिए सालन है और ये फ्राई किए हैं मम्मा ने, तो इसमें जो है अभी मैं टिश्यू ऐड कर लेती हूँ क्योंकि डीप फ्राइड चीज़ों को अगर हम ऐसे ही रख देते हैं ना वैसे भी वो सौगी हो जाएंगे, टिश्यू होगा फिर भी लेकिन थोड़े कम होंगे, तो अभी मैं इसको टिश्यू वगैरह रख के सेट करती हूँ। बाकी आज जो है बहुत ही ये अलग है क्योंकि हमने सब अंजा को भेज दिया है, तो इस वजह से आज अंजा से सारा मंगवाएंगे भी इंशाल्लाह कल, तो जैसे फिर कल अंजा को भेजेंगे कुछ। और अभी 5 हो गए हैं और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और मुझे मतलब इतना लंबा रोजा लग रहा है आजकल का क्योंकि हम सवेरे उठते हैं, वैसे हम लेट उठती थी तो हमें बहुत ऐसा लगता था अभी गुजर गया रोजा, नहीं अभी लंबा रोजा लगता है। और हमने 12 बजे इफ्तारी बनाई थी अंजा के लिए, तो अभी मम्मा फिर से इफ्तारी बना रही है, हमारे लिए पकौड़े बना रही है, तो बस अभी की यही अपडेट्स हैं। चेंज वगैरह कर लिया है और अभी मामू कह रहे हैं कि उनको मैं टीवी पे कुछ चला कर दूँ, तो चलो मामू को कुछ चला कर देते हैं। और उनको मिताली सिंह इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब वो कहते हैं सारा दिन मुझे मिताली सिंह चला के दो। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा शीशल के पास क्योंकि उससे बिल्कुल मतलब मिली नहीं हूँ मैं आज, तो उसको चलते हैं एक दो किस करते हैं उससे भी मिलकर आते हैं। अभी मैं शीजल के पास आई थी, मैंने स्टोरीज देखी थी शीजल की और शीजल ने इतना क्यूटी सा पिंक कलर का वॉकर लिया है। हेलो शीजल शीजल को देख रही है, मम्मा को देख रही है। हेलो शीजल किसी ने उनकी मम्मा कटता है इसको अपने घर ले जाते हैं। मैं आई मुझे पता ही नहीं था यहाँ ही ऑलरेडी। चलो अभी हमने शीजल को उठा लिया है और हम इसको अपने घर ले जा रहे हैं क्योंकि इसने इतना क्यूटो लग रहा है, ये क्यूटो। चलते हैं इसको मम्मा से भी मिलवाते हैं। चीजो ओ चीजो जी खाना से खाना लेकर आओ इसको, ये नहीं चलेगी बंद है। अभी शीजल बैठी हुई है और हम शीजल की स्टोरी लगाते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम वाले सारे आकर ब्लॉग नहीं देखते, तो उनके लिए तो शीजल का एक डोज होना जरूरी है ना। आपका रोजा है शीजल को पता है जिनका रोजा होता है उनके सामने नहीं खाते। हाय शीजल को देखे इसका हम न्यू वाला वॉकर यहाँ भी लेकर आ गए हैं और अभी सोच रही है खेलेगी। शीजल शीजो डू 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 शीजल ना अपना अभी बिजी है, पता नहीं किधर बिजी है शीजो। ब्लॉग इतना लंबा हो गया है कि अब बस इफ्तार करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, आज इफ्तार करेंगे तब दिखाऊंगी आपको। बाय। इफ्तार टाइम हो गया है और अभी हमारी जो है बस मैं टेबल सेट कर रही थी और ऑलरेडी बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है, सो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। इफ यू गाइस लाइक द ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल कीज लाइफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।